सो 3 साल में पहली बार किसी ने मुझे स्पॉन्सर किया है एंड येस दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय नून. आई एम वेरी थैंकफुल टू देम. सो नून इंडिया का पहला सोशल एडटेक प्लेटफॉर्म है. इनका फोकस फुली महाराष्ट्र बोर्ड पे है. क्लास 9 से लेकर के 12th प्लस MHT CET सारे लाइव क्लासेस होते हैं. पेड सब्सक्रिप्शन हाल फिलहाल एग्जिस्ट ही नहीं करता है. इट इज़ कम्प्लीटली फ्री एंड विल बी फ्री. सो यू कैन डाउनलोड द ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. MHT CET सेक्शन में आप एनरोल हो सकते हैं. प्लस कल मेरा वर्कशॉप है 5 PM से ऑन करियर्स आफ्टर क्लास 12th. ओके, डेट इज 9th में. हो सकता है आप वीडियो बाद में देख रहे हो, तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी. स्टार्ट करते हैं बेस्ट बुक्स फॉर MHT CET की. हाँ, बाय द वे मेरा 30 डेज का क्रैश कोर्स भी चालू है ऑन MHT CET फिजिक्स. 2 दिन हो चुके हैं. टाइमिंग मेरे क्रैश कोर्स की है 7 बजे से 8 बजे तक डेली बेसिस पे. आप वहाँ पर ग्रुप ज्वाइन कर दीजिए, आपको डेली का मेरा शेड्यूल मिल जाएगा. बात करते हैं बेस्ट बुक्स फॉर MHT CET की. तो यहाँ पर सबसे पहले मैं याद करूँगा आइंस्टाइन को, जिसने कहा था एवरीथिंग इज रिलेटिव. लाइफ में कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि जो मैं कहूँगा वही सत्य है, ऐसा कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है. सब कुछ रिलेटिव है, डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे. तो जो रिव्यू है उसको एब्सोल्यूट कंसिडर मत करना, क्रिटिक एंड उस सेंस में मत देखना. सब कुछ एकदम हॉनेस्ट है मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, एंड जो कि रिलेटिव हो सकता है. सो बात करते हैं सबसे पहले बुक की, जिसका नाम है मार्वल. अगर हम मार्वल की बात करें, सो मार्वल में जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस होते हैं बल्क में. ठीक है, एक अच्छा खासा बल्क हमें मार्वल में देखने को मिलता है. एंड उसमें क्वेश्चंस हायर लेवल भी होते हैं. ठीक है, हायर लेवल क्वेश्चन का सेपरेट सेक्शन होता है कि अगर आपको हायर लेवल नहीं जाना है तो आप स्टॉप कर सकते हैं. जाना है तो आप हायर लेवल में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें अच्छे खासे क्वेश्चन होते हैं, प्लस JEE के भी क्वेश्चन होते हैं. बात यह है कि जो क्वेश्चंस बल्क में हैं, कई बार रिपीटेटिव अप्रोच वहां पर हमें देखने को मिलता है. मतलब क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, जैसे कि एक ही फॉर्मूला उसी को बार बार रीअरेंज करके ऐसे कई बार हमको क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं. फॉर एग्जांपल 6 क्वेश्चन की जगह अगर हम एक क्वेश्चन करते तो भी काम बन सकता था. बट एक सॉर्ट ऑफ रिपीटेडनेस है, इससे कॉन्फिडेंस भी आता है, राइट? बट अगर आपके पास टाइम कम है तो फिर मे बी आप सोचें. सो यस, मार्वल एक अच्छी बुक है. पर्सनली मैंने पूरी मार्वल खत्म कर दी है कब का, एंड अच्छी एक बुक है. बट वही कह रहा हूँ, आप पे डिपेंड करता है. अगर आपको बल्क में क्वेश्चंस करने हैं प्लस हायर लेवल भी करने हैं, CET से हल्के से हायर लेवल भी करने हैं, यू कैन गो फॉर मार्वल. बट रिपीट होते हैं, दिस इज द अदर साइड. बात करते हैं सेकेंड बुक अरिहांत की. अगर अरिहांत की बात करें तो यहाँ पर जो आपका MCQs हैं वो डिवाइड होते हैं सेक्शंस में. एक होता है सेक्शन 1, जिसमें टॉपिक वाइज MCQs होते हैं. एक होता है सेक्शन 2, ऑफकोर्स मार्वल में भी टॉपिक वाइज होते हैं. एक होता है सेक्शन 2, फिर आ जाता है हमारा PYQs का सेक्शन. तो PYQs का सेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें 20 साल के क्वेश्चंस कवर्ड हैं. ठीक है, सेक्शन 2 में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, बढ़िया से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस. ओके, एंड सेक्शन 1 में मिक्स सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन होते हैं. तो यहाँ पर जो मुझे ऐसा फील होता है, हो सकता है गलत हो, राइट, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इनका डायरेक्शन अलग हो जाता है. फॉर एग्जांपल CET में वैसे क्वेश्चंस शायद से कभी कभी मतलब नहीं आते, मतलब प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस की थोड़ी सी कम है. हाँ, कॉन्सेप्चुअल हैं, अरिहांत इज कॉन्सेप्चुअल, बट कभी कभी मुझे ऐसे फील होता है कि ऐसा डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज है, या अप्रोच थोड़ा सा चेंज है. बाकी इसमें कोई भी बात खराब नहीं है, जस्ट अप्रोच की बात है जो मुझे MHT CET से मैच हुआ होता कई बार नज़र नहीं आता है. बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, अरिहांत भी अच्छी बुक है, यू कैन गो फॉर इट. यहाँ पर मैं सब बता दे रहा हूँ. ओके, फिर आप डिसाइड करो आपका लेवल क्या है. बात करें टारगेट की, तो टारगेट एक स्टेप बाय स्टेप बुक है, यानी कि ये बेसिक स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप. तो यहाँ पर लेवल 1 होता है बेसिक क्वेश्चन, लेवल 2 होता है थोड़े से एडवांस, लेवल 3 होता है कॉम्पिटिटिव. तो जिस स्टूडेंट को स्टेप बाय स्टेप जाना है सो वो टारगेट ले सकते हैं. बट अगेन जो स्टेप 1 है बहुत ज़्यादा इजी होता है, MHT CET में वो सब नहीं आ सकता है. मोस्ट ऑफ द टाइम आएगा भी तो 1-2 क्वेश्चन, उतना इजी नहीं आ सकता है, सच बता रहा हूँ. ओके, स्टेप 2 से क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट हर चैप्टर में यहाँ पर 3 लेवल्स हैं जो कि फायदे वाली हैं अगर आपको लेवल बाय लेवल बढ़ना है. बट अगर आप क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस देखें तो वो एक बहुत बड़ा नंबर हो जाता है पर क्वेश्चन. अगर आप क्वांटिटी देखें, जैसे फर्स्ट चैप्टर रोटेशनल डायनामिक को 250 क्वेश्चंस हैं,
ओके तो क्वांटिटी वाइज देखें तो क्वांटिटी में हमको यहाँ पर बहुत ज्यादा हो जाता है कि अगर आपको लिमिटेड टाइम में करना है तो मे बी आप टारगेट कंप्लीट ही नहीं कर पाए, ऐसा हो सकता है, बिकॉज क्वांटिटी यहाँ पर लेवल्स हैं बट फिर क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा है। सो दिस वॉज माई रिव्यू। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये बुक खराब है ये बुक नहीं, मार्वल एक अच्छी बुक है, इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे टॉपिक वाइज भी बल्क में भी। सो अगर आपको कॉन्फिडेंस लाना है आप मार्वल फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि रिपीट 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 क्वेश्चन कर करके आपका लेवल बढ़ जाएगा एंड देन हायर लेवल भी है, सो आप थोड़ा सीईटी से हायर लेवल भी जा सकते हैं। सो दैट इज फॉर मार्वल। अगर आपको एकदम बेसिक से स्टार्ट करना है, एकदम बेसिक से, तो आप टारगेट ले सकते हैं, बट याद रखना आपको टाइम डिनोशन ज़्यादा देना पड़ेगा, बिकॉज आप तीन लेवल के क्वेश्चन कवर करेंगे एक चैप्टर के लिए, ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं। अरिहंत की बात करूँ तो अरिहंत एकदम बेसिक से स्टार्ट नहीं होती है, अरिहंत थोड़ा सा हाई लेवल से स्टार्ट होती है, मतलब बेस से तो स्टार्ट नहीं होती है, इतना तो मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो थोड़ा सा सोच समझ के आप अरिहंत भी परचेस कर सकते हैं। पर्सनली अगर आप पूछे सर आप क्या यूज़ करते हो, मैं तीनों यूज़ करता हूँ। ओके सो मैं टीचर हूँ, मुझे तो हर बुक देखनी है। फाइन, सो मुझे उम्मीद है आपको रिव्यू अच्छा लगा। आप कमेंट में बताएं आप कौन सी बुक यूज़ करते हैं एंड उसका क्या बेनिफिट है, तो जैसे दूसरे स्टूडेंट्स आपकी कमेंट को रीड कर पाएं, उनको भी एक्सपीरियंस मिले।